दोस्तों, अगर आपका लिंक पतला है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा पेस्ट बनाना बता रही हूँ जिसको लगाने से आप अपने पतले औजार को मोटा कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत से मर्द अपनी पतलेपन की वजह से परेशान रहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनकी पार्टनर उनके लिंग के पतले होने के कारण उनसे खुश नहीं रह पाएगी। इसी वजह से वह अपने पतलेपन को दूर करने के लिए तरह तरह की दवाओं का सहारा लेते हैं जो कि उनके लिए बहुत नुकसानदायक होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा आयुर्वेदिक पेस्ट बनाने की विधि बता रही हूँ जो मात्र 10 दिन में ही आपके लिंग को मोटा कर देगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस उपाय के बारे में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस उपाय के बारे में। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। नंबर 1, देसी टमाटर। नंबर 2, लहसुन की कलियां। नंबर 3, बादाम का तेल। नुस्खा तैयार करने का तरीका। दोस्तों, सबसे पहले आप टमाटर और लहसुन का रस निकाल लीजिए। टमाटर और लहसुन का रस निकालने के लिए पहले आप इनको पीस लें, फिर किसी कपड़े की सहायता से इनका रस निचोड़ लीजिए। दोस्तों, टमाटर में फैट बढ़ाने वाले गुण पाए जाते हैं और लहसुन हमारी बंद नसों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। लहसुन के प्रयोग से लिंग की नसों की ब्लॉकेज खत्म होगी जिससे उसमें रक्त का प्रवाह बढ़ेगा और वह स्वस्थ और मोटा होगा। दोस्तों, टमाटर और लहसुन का रस निकालने के बाद आपको क्या करना है। 2 चम्मच टमाटर का रस और 1 चम्मच लहसुन का रस एक छोटी कटोरी में लेकर मिलाना है। साथ ही 1/2 चम्मच बादाम का तेल भी इसमें मिक्स करके एक पेस्ट तैयार करना है। प्रयोग का तरीका। दोस्तों, आपको किसी कॉटन की सहायता से यह पेस्ट अपने पूरे लिंग पर लगाना है और ऊपर से कोई साफ कपड़ा लेकर बांध देना है। दोस्तों, इस कपड़े को ज्यादा टाइट नहीं बांधना है। 30 मिनट बाद इस कपड़े को खोलकर अपने औजार को गुनगुने पानी से धो लेना है। आपको ये उपाय 1 वीक में 2 बार जरूर करना है और 1 महीने के बाद ही आपको अपने लिंग में 1 इंच तक का फर्क दिखेगा। तो दोस्तों, इस उपाय को जरूर आजमाएं। अगर आपको इससे फायदा हो तो दूसरों को भी बताएं और अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें अपना सवाल कमेंट बॉक्स में भेजें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।